छत्तीसगढ़ प्रशासन के कोरबा जिला प्रभारी मंत्री एवं स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम सहाय सिंह टेकाम एक दिवसीय प्रवास पर कोरबा पहुंचे। यहां पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका हाथ जोड़कर स्वागत किया। इसके उपरांत वे पंप हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने शाला परिसर में वृक्षारोपण भी किया। इस मौके पर कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कुमार, महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुंदर सोनी, कोरबा कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल, डीएसपी रामगोपाल करियरे सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारी और पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। की उपलब्धियां बताई और ये अभी चलती रहेंगी। एक जो है ना, प्रदेश में बब्बर सिंह टैक्स का मामला आ रहा है, कोरबा में भी ये चल रहा है, और प्रति टन कोयले पे जो कमीशन है अब 25 रुपए से बढ़ के 30 रुपए हो गया। देखिए, नहीं यहाँ नहीं हो रही है, क्या मामला? यहाँ कोई टैक्स नहीं है, ये जो जीएसटी है ना, ये गब्बर सिंह टैक्स, ये पूरे प्रस्थान करके रखा है। ये हमारे जो टैक्स जो दिल्ली से मिलना चाहिए था वो मिलता नहीं है, इस कारण से बहुत से काम नहीं हो पा रहे हैं। 25 रुपए टन अगर नहीं दिया जाता है ना, तो कोयला वाले को डीओ नहीं दे रहा है। आपके माइनर व्यापारी यहाँ पर हलाकान है। 25 रुपए तो किसानों को दे दिया जाए। कोयला व्यापारी बात कर रहे हैं, कोयला व्यापारी यहाँ पे उनको डीओ नहीं मिल रहा है, आपके कार्यालय से वापस चले जा रहे हैं, ये नहीं देते हैं। तो मैं इसको दिखा लूंगा सर। राम वन गमन पथ सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, बस्तर में आदिवासी उसका विरोध कर रहे हैं, आप आदिवासी वर्ग से आते हैं, क्या कारण है? देखिए, राम हमारे संस्कृति में रचे बसे हैं, और यहाँ के लोग अगर सुबह मिलते हैं तो सबको राम राम ही कहते हैं। अगर व्यापारी कोई है, अगर तौल करता है वो, तो पहला जो है वो रामी के नाम से करता है। तो राम तो हमारे संस्कृति में रचे बसे हैं, और राम तो इस छत्तीसगढ़ में बहुत लंबे समय तक यहाँ पर वनवास काल में रहे, और उसके लिए हम लोगों ने राम वन पथ गमन जो बना रहे हैं, ये इतने साल तक भाजपा जो राम के नाम पे खाली वोट बटोरते रहे, शासन करते रहे, लेकिन उनको नहीं आया। हम लोगों का जो राम, कौशल्या के राम, सबरी के राम, सबके आदिवासी, सबके सब गरीबों के राम, हम उन राम को जो यहाँ पर रहे हैं, उनका जो जहाँ जहाँ गए हैं वो पथ बना रहे हैं, और पूरे संस्कृति को जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। कटघोरा डीओपीओ की लगातार शिकायत आ रही है, जो उनके क्षेत्र में हाथी की मौत हो रही है, इंसान की मौत हो रही है, लेकिन उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जो संरक्षण दे रही है, जो शिकायतें मिली होंगी, अभी मेरे पास शिकायत अभी आई नहीं है। आप प्रभारी मंत्री है, जांच इसके बारे में के लिए बोले ना, तो शिकायत तुम जांच करोगे? विधायक ने शिकायत किया है सर, जांच नहीं, क्रिकेटर जी ने शिकायत किया, शिकायत अभी मेरे को मिला नहीं है। इसी तरह से शिक्षा अधिकारी का भी मामला है, मैं बोल चुका हूँ वहाँ पे। देखिए, COVID-19 का जो एक्सपर्ट लोग है वो कहते हैं कि यहाँ पर रिपीट होने की चांसेस हो सकते हैं, और ऐसी स्थिति में कोई भी पेरेंट्स, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनके बच्चों को कोई जोखिम में डालें। हम अगर स्कूल खोलते हैं, कोई स्कूल कोई जाएगा नहीं वहाँ पे, कोई अगर एकाध कोई केस निकल गया तो पूरे गांव को बंद करना पड़ेगा। कई राज्यों ने शुरू किया, दिल्ली ने शुरू किया, हरियाणा ने शुरू किया, मध्य प्रदेश ने शुरू किया, लेकिन उसके बाद भी उनको बंद करना पड़ा, तो हम क्यों अभी खोलेंगे, फिर बंद करना पड़ेगा? बोर्ड परीक्षा भी हम लोग बोर्ड परीक्षा दसवीं और बारहवीं के लिए आपने खुद कहा सर कि जो है ना, अभी कुछ इलाकों में जहाँ नेटवर्क नहीं है हमको दिक्कत हो रही है, तो नहीं हम लोगों ने वहाँ पर हमने वहाँ पर पढ़ाई तो हर पारा खोला है, वहाँ पर ब्लूटूथ के बोल के द्वारा पढ़ाई हो रही है, और वहाँ पे ऑनलाइन अपने वहाँ भी पढ़ाई हो रही है, तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग ने किया है, ताकि परीक्षाएँ का जहाँ तक सवाल है, दसवीं और बारहवीं की जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें हम लोगों ने हर माह के लिए अलग अलग कोर्स सिलेबस तैयार किया हुआ है कि किस महीने में क्या पढ़ाई होगी, और पढ़ाई के बाद अगले महीने में उसका इंटरनल उसकी टेस्ट लिए जाएंगे, वो भी मार्क्स उसमें रहेंगे, और कोशिश हमारी है कि परीक्षाएं हो। अगर परीक्षा अगर नहीं होती हैं तो इन जो मार्क्स इंटरिम जो आंतरिक जो मूल्यांकन होगा उसके ओके चलो कोयला व्यापारी यहाँ पे उनको डीओ नहीं मिल रहा है, आपके कार्यालय से वापस चले जा रहे हैं, ये स्थिति है। सर, राम वन गमन पथ सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, बस्तर में आदिवासी उसका विरोध कर रहे हैं, आप आदिवासी वर्ग से आते हैं, क्या कारण है सर? देखिए, राम हमारे संस्कृति में रचे बसे हैं, और यहाँ के लोग अगर सुबह मिलते हैं
तो सबको राम राम ही कहते हैं। अगर कोई अगर कोई अगर कोई कोई अगर व्यापारी कोई है अगर तौल करता है वो तो पहला जो वो रामी के नाम से करता है। तो राम तो हमारे संस्कृति में रचे बसे हैं और राम तो इस छत्तीसगढ़ में बहुत लंबे समय तक यहाँ पर वनवास काल में रहे और उसके लिए हम लोगों ने राम वन पथ गमन जो बना रहे हैं ये इतने साल तक भाजपा जो राम के नाम पे खाली वोट बटोरते रहे शासन करते रहे लेकिन उनको नहीं आए। हम लोगों का जो राम कौथल्या के राम सबरी के राम सबके आदिवासी सबके सब गरीबों के राम हम उन राम को जो यहाँ पर रहे हैं उनका जो जहाँ जहाँ गए हैं वो पथ बना रहे हैं और पूरे संस्कृति को जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। सर कटघोरा डीओपो की लगातार शिकायत आ रही है जो उनके क्षेत्र में हाथी की मौत हो रही है इंसान की मौत हो रही है लेकिन उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की सिर्फ ठेकेदारों को संरक्षण दे रही है। जो शिकायतें मिली होगी मेरे पास शिकायत अभी आई नहीं। आप प्रभारी मंत्री हैं जांच इसके बारे में जांच के लिए बोलेंगे सर? तो शिकायत की गई है और आपके विधायक द्वारा भी शिकायत की गई थी। शिकायत अभी मेरे को मिला नहीं। सर जिले में जुमा जो है चरम सीमा पे खिलाया गया पुलिस संरक्षण के कार्रवाई होगी कि नहीं सर? स्कूलों को खोलने को लेकर कोई रोड मैप तैयार किया जा रहा है कोरोना काल के बाद किस तरह से उसको खोला जाएगा किस तरह की सुरक्षा अपनाए जाएंगे? देखिए COVID-19 का जो एक्सपर्ट लोग है वो कहने की यहाँ पर रिपीट होने की चांसेस हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में कोई भी पेरेंट्स कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनके बच्चों को कोई जोखिम में डाले। हम अगर स्कूल खोलते हैं कोई स्कूल कोई जाएगा नहीं वहाँ पे कोई अगर एकाध कोई केस निकल गया तो पूरे गांव को बंद करना पड़ा वो पड़ेगा। कई राज्यों ने शुरू किया है दिल्ली ने शुरू किया हरियाणा ने शुरू किया मध्य प्रदेश परीक्षाओं का दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं और बारहवीं के लिए आपने खुद कहा सर कि जो है ना अभी कुछ इलाकों में जहां नेटवर्क नहीं है हमको दिक्कत हो रही है तो हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ाई तुम्हारे पारा खोला है वहाँ पर बुलटू के बोल के द्वारा पढ़ाई हो रही है और वहाँ पे ऑनलाइन अपने पढ़ाई भी वहाँ पर भी पढ़ाई हो रही है तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग ने परीक्षाएं होंगी या सरकार क्या सोच रही है? परीक्षाएं का जहाँ तक सवाल है दसवीं और बारहवीं की जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें हम लोगों ने हर माह के लिए अलग अलग कोर्स सिलेबस तैयार किया होगा 21 महीने में क्या पढ़ाई होगी और पढ़ाई के बाद अगले महीने में उसका इंटरनल उसकी टेस्ट लिए जाएंगे वो भी मार्क्स उसमें रहेंगे और कोशिश हमारी है कि परीक्षाएं हो। अगर परीक्षा अगर नहीं होती है तो इन जो मार्क्स अंतर इंटरिम जो आंतरिक जो मूल्यांकन होगा उसके ओके।